खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा में किसान से ऋण के नाम पर बैंक मैनेजर द्वारा अवैध वसूली को लेकर कुछ किसान मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले पहुंचे खारकला से आए किसानों ने जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बैंक मैनेजर पर ऋण स्वीकृत के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि खारकला का बैंक मैनेजर किसानों से ऋण स्वीकृत करने के नाम पर अवैध राशि की मांग करता है। खारकला में कई किसानों से ऋण स्वीकृत के नाम पर अवैध राशि ली गई है। किसान कमलचंद पिता कड़वा से 5,000, सावित्री बाई पति कैलाश निवासी नांदिया से 3,500 और अमीरदास पिता तुलसीराम निवासी पोखरकला से 4,000 की राशि ली गई। किसानों से ली गई राशि का विरोध करने पहुंचे किसान नेता सुभाष पटेल ने बताया कि शाखा प्रबंधक की लापरवाही और जिस प्रकार वसूली की जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। इसी को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है, जिसमें खारकला के जिला सहकारी शाखा के बैंक मैनेजर प्रदीप कुमार दुबे की जाँच की जानी चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। नांदिया का रहने वाला हूँ और मेरी माताजी के नाम का ऋण स्वीकृत हुआ था 50,000 रुपये का। इसके लिए दुबे जी ने मेरे से 5,000 रुपये की मांग करी थी, जिसमें से मैंने 3,500 रुपये उनको दिए और 1,500 रुपये की मांग और कर रहे हैं। बोले क्या प्रमाण है 3,500? मैंने मेरे हाथ से दिए सर। प्रमाण क्या है आपके पास? किसी तरह की कोई शिकायत करी रिकॉर्डिंग? मैंने कोई शिकायत नहीं करी सर। रिकॉर्डिंग वीडियो कोई कुछ भी नहीं है। आप क्यों दिए? आपने जब रिश्वत मांगी, रिश्वत देना अभी अपना नहीं तो सर, उन्होंने लोन स्वीकृत नहीं कर रहे थे ना। बोले आप वैसे दोगे तो भी आपका लोन स्वीकृत होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिला सहकारी खारकला के बैंक मैनेजर का मामला है। ये क्या करते हैं कि किसानों के जैसे कोई भी लोन होते हैं, छोटे लोन होते हैं, 50,000, 70,000, 1,00,000 तक के लोन जो भी गवर्नमेंट के होते हैं, जो भी योजनाएँ आती है, इसमें मैनेजर द्वारा कई किसानों से 3,000, 5,000, 10,000 रुपये तक की रिश्वत ली गई है। अगर किसान कुछ बोलने जाता है तो किसानों से उनके ऋण नहीं करते। इस डर से कई किसानों ने आज तक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं ली, पर किसान त्रस्त है, परेशान है, इसलिए किसान कलेक्टर आए हैं। तो जो जिला सहकारी का प्रबंधक है, कोई दुबे करके है, प्रदीप दुबे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जो बिजली कंपनी का जो शेड्यूल है, इसको इन्होंने रात में करके रखा है, जिससे किसान न तो घर जा पा रहा है, न तो खेत में ढंग से काम कर पा रहा है। अगर 3-4 दिन में इन्होंने शेड्यूल नहीं चेंज किया तो किसान संघ द्वारा बिजली कंपनी का घेराव किया जाएगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि रात के 2-3 बजे तुम रात को बिजली किसानों को देते हो तो क्या तुम्हारे ऑफिस खुले रहते हैं क्या? और अगर ऐसी स्थिति बनी तो बहुत उग्र आंदोलन होगा और शासन प्रशासन मेरी बात को ध्यान से सुन ले। क्या अभी बिजली शेड्यूल से क्या नुकसान हो रहा है किसान को? बिजली शाम को 4 बजे देते हैं, रात के 10 बजे तक चलती है। अब किसान का 4 बजे घर जाने का समय होता है, भैंस गाय बैल चारा पानी घर जाने का समय होता है। उस समय पर उसकी मिसेज गाड़ी बैल लेके क्या घर जाएगी? और किसान खेत में रुक के 10 बजे तक पानी वालेगा, उसके बाद उसको 4 बजे रात को और बिजली मिल जाएगी तो और सुबह 10 बजे तक पानी वालेगा तो सोएगा कब? और जिसको सुबह मिल रही है उसको रात को 12 बजे से 4 बजे बिजली मिल रही है, तो ये तो किसानों के साथ में अन्याय है, हिटलर सही है। कहाँ है प्रधान मुख्यमंत्री जी, जो अपने आपको किसान नेता से बताते हैं, उनको क्या इतनी सी अक्ल नहीं है कि किसानों को रात में कैसे बिजली दे? अगर 10 घंटे आपको बिजली देना हो तो दिन में दो, ऐसे रात में उले ढाले करके कोई मतलब नहीं है। मेरा सरकार से मुख्यमंत्री निवेदन है कि अपने बिजली के शेड्यूल में तुरंत परिवर्तन करवाए। किसान इससे बहुत नाराज है और आक्रोशित है।